भागलपुर आदमपुर स्थित के नर्सिंग होम में एक महिला की मौत के बाद गुरुवार की रात परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। परिजनों का आरोप था कि उनको मरीज से मिलने नहीं दिया जा रहा था और डॉक्टरों ने इलाज के दौरान लापरवाही बरती, जिसके कारण महिला की मौत हो गई। मृतक महिला बांका जिले के बेलहर गांव की रहने वाली थी। मृतका की उम्र करीब 30 वर्ष बताई जा रही है, जो हार्ट की बीमारी से पीड़ित थी। बताया जा रहा है कि हार्ट की बीमारी से पीड़ित फूलन देवी को कुछ दिन पहले शहर के नर्सिंग होम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों ने बताया कि शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे उनके मरीज की तबीयत बिगड़ने लगी। गुरुवार को जब फूलन देवी की स्थिति गंभीर हो गई तो परिजन घबरा गए। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने उन्हें मरीज से मिलने नहीं दिया और इलाज में लापरवाही बरती, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। मरीज की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और परिजनों ने नर्सिंग होम में हंगामा करना शुरू कर दिया। परिजनों का कहना है कि डॉक्टर ने पैसे के लिए उनकी बहन को मार डाला है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही जोगसर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। फिलहाल पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। सुल्तानगंज नगर परिषद सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यपालक पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार और नगर सभापति राजकुमार गुड्डू ने हिस्सा लिया। बैठक में नगर परिषद क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में हर घर जल नल योजना से संबंधित समस्याओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। बैठक के दौरान नगर परिषद के सभी कर्मचारियों को निर्देश दिया गया कि वे जल नल योजनाओं में हो रही समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करें। मुख्य पार्षद राजकुमार गुड्डू ने बताया कि नल जल योजना की स्थिति पर ध्यान नहीं दिया गया है। बता दें कि वार्ड संख्या 16 के लोग पिछले कई दिनों से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। वहीं वार्ड परिषद सरिता देवी ने इस समस्या के समाधान के लिए नगर परिषद को लिखित आवेदन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। बताया जा रहा है कि नल जल योजना के संवेदक द्वारा कभी समरसेबल खराब होने की बात कहकर तो कभी बिजली नहीं होने के कारण पानी की आपूर्ति नहीं होने की बात कह रहे हैं। वार्ड पार्षद ने संवेदिका को ब्लैकलिस्टेड करने और उसे नगर परिषद से किसी प्रकार का कारण नहीं देने की बात कही है। बता दें कि नल जल योजना के तहत टेंडर लेने वाले संवेदकों को 5 साल तक मेंटेनेंस की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, लेकिन संवेदक अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं, जिसके कारण नगर परिषद क्षेत्र की जनता इस भीषण गर्मी में पानी के लिए त्राहिमाम कर रही है। लोगों ने जल समस्या का समाधान नहीं करने पर आंदोलन करने की बात कही। भागलपुर जिले के अकबरनगर थाना क्षेत्र में जदयू जिला सचिव के भाई की अज्ञात अपराधियों ने हत्या कर दी। किशनगंज पंचायत के भवनाथपुर सड़क से 200 मीटर की दूरी पर पुलिस ने एक व्यक्ति का शव बरामद किया है। मृतक व्यक्ति की पहचान किशनपुर पंचायत निवासी महेश राय के 37 वर्षीय पुत्र अविनीश कांत राय के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि अज्ञात अपराधियों ने उनके सिर में कुल्हाड़ी से मारकर उसकी हत्या कर दी है। वहीं सूचना मिलते ही अकबरनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। फिलहाल पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं दूसरी ओर मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि हत्या जमीन विवाद के कारण की गई है। देखिए सर, ये बाहरी आदमी का वो कुछ करेगा जो एकदम सीधा है, बोलने का भी उसको तरीका नहीं है, न मोबाइल रखता है न कुछ। वो गोतिया लिया के मन में थोड़ा पैसा आ गया है, थोड़ा उसके सबके मन में हो गया है कि खमाता खाता है, क्यों इसको मिटा दे इसका सारा संपत्ति। बाप भी सीधा था तो बाप का संपत्ति सब ले लिया था और वही चाहता था कि अब सब जो है सो हमको बार बार कहता था कि देखो बाबा के नाम से है, हमरे हिसाब है, हमको सही कर दो। हमको कहता था सही कर दो, सही कर दो। हम बोले कि सही क्यों करेंगे, हम यही सब मैटर से लेकर के बहुत बार सोच रहा था कि इसको जड़ से सबको बचा उचा को मारने उनका के कहा जाता है कुछ मानसिक रूप से भी ये थे और था, लेकिन अभी नहीं था, वो बचपन में कुछ था हल्का कम, तो इलाज फिलाज किए ठीक था। अब काम उम सब करता था, गाय कुछ अपना गाय को खिलाना पिलाना धोना गरना खेती गृहस्थी हल्का फल्का जो भी है सब करता था।
सब काम करते हैं अपने काम। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम करुणा है। कौन है आप मृतक के माँ? अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। भागलपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना 4 जून को बरारी स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक केंद्र में होगा, जिसको लेकर गुरुवार को मतगणना कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने मतगणना कर्मियों और पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि मतगणना का समय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार 4 जून को सुबह 8 बजे से मतगणना का कार्य शुरू होगा और इसके लिए सभी कर्मियों को सुबह 5:30 बजे तक मतगणना केंद्र पर उपस्थित होना अनिवार्य है। DM ने कहा कि मतगणना केंद्र में जाँच के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा, जिसमें गणना अभिकर्ता, मतगणना पर्यवेक्षक, सहायक, सूक्ष्म प्रेक्षक, मजदूर, सुपरवाइजर, ARO दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी शामिल हैं। DM ने कहा कि मतगणना पर्यवेक्षक, सहायक और सूक्ष्म प्रेक्षक विधानसभा वार अपना योगदान देंगे। DM ने कहा कि वज्रगिरी का स्ट्रांग रूम निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए खोला जाएगा और पर्यवेक्षकों की निगरानी में CU प्रपत्र 17C Part 1 के साथ टेबल पर लाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अलग अलग विधानसभा के कर्मियों का ड्रेस कोड अलग अलग होगा और उनके ड्रेस पर टेबल संख्या अंकित रहेगी, जिससे किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। उन्होंने बताया कि प्रत्येक टेबल पर एक मतगणना पर्यवेक्षक, एक मतगणना सहायक और एक सूक्ष्म प्रेक्षक होंगे। मतगणना कक्ष में किसी प्रकार के डिजिटल उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि मतगणना के परिणाम राउंड वाइज RO द्वारा जारी किए जाएंगे और प्रत्येक राउंड की शुद्धता जांच हेतु रैंडमली 2 टेबल की पुनर्गणना की जाएगी। सभी मतगणना कर्मियों को गोपनीयता की शपथ भी दिलाई जाएगी और गोपनीयता भंग करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में नगर आयुक्त नितिन कुमार सिंह, उप विकास आयुक्त कुमार अनुराग, उप समाहर्ता अजय कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी श्वेता कुमारी और अन्य संबंधित पदाधिकारी मौजूद रहे। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना की तैयारी को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक DM कार्यालय कक्ष में आयोजित की गई। बता दें कि मतगणना 4 जून को प्रातः 8 बजे से राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज बरारी में होगी, जिसमें बीपुर, गोपालपुर, कहलगांव, पिरपैती, भागलपुर और नाथनगर के विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतगणना कक्ष में प्रत्येक के लिए 14-14 टेबल लगाए गए हैं, जिनमें प्रत्येक टेबल पर 3-3 मतगणना कर्मी तैनात होंगे। DM ने बताया कि पोस्टल बैलेट पेपर और ETPBS की गणना के लिए 10 टेबल लगाए गए हैं। वहीं जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने मतगणना प्रक्रिया को स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाने के लिए सभी तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान मतगणना केंद्र के निर्माण, बैरिकेडिंग, मतगणना कक्ष की तैयारी, निर्बाध विद्युत आपूर्ति, ध्वनि विस्तारक यंत्र, CCTV, वीडियोग्राफी, मीडिया केंद्र और नियंत्रण कक्ष का संस्थापन भी सुनिश्चित किया गया है। DM ने निर्देश दिया कि सभी मतगणना कर्मियों, एजेंटों और पदाधिकारियों के पहचान पत्र 2 जून तक निर्गत कर दिए जाएंगे। बैठक में अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, नगर आयुक्त और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।